सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 की लेटेस्ट बजाज पल्सर N150, जो कि अभी तक मतलब रिसेंटली जो मार्केट में आती थी उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते थे, और जो अभी ये 2024 में आई है लेटेस्ट मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है, इसमें क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या प्राइस होने वाली है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल बाइकर आदित्य को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। सबसे पहले बाइक की अगर आप प्रोफाइल चेक करते हो तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ आपका एबोनी ब्लैक कलर, टोटल 3 कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं 2024 में। जो अपडेट हुआ है वो है सबसे पहला यहाँ पर इसका मीटर कंसोल, जो कि N160 विद N150 यानी कि दोनों जो आती हैं बाइकें उनमें आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। दूसरा क्या अपडेट है, यहाँ पर आपको ट्विन डिस्क अब देखने को मिलेगी। पहले सिंगल डिस्क आती थी यहाँ पर फ्रंट में, रियर में कोई भी डिस्क आपको नहीं मिलती थी N150 के अंदर में, लेकिन अब आपको N150 के अंदर में रियर में भी डिस्क देखने को मिलती है। दूसरा ये अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मीटर की बात करिए तो अब मीटर पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। फीचर्स क्या ऐड हुए हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि कुछ लोगों की मतलब डिमांड रहती थी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, कॉल SMS अलर्ट फीचर नहीं है, वो अब बजाज ने देख के काफ़ी अच्छी चीज़ इसकी पूरी कर दी है। तो यहाँ पर आपको पूरा इसमें डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पर गियर पोजिशन इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर एक नया स्विच दे दिया है जो कि मोड के लिए। पहले यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच था, उसको हटाकर यहाँ पर मोड का स्विच दिया है, जिसमें आप देख सकते हो पल्सर DT IFE वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी कनेक्टिविटी तो आपको मिली जाती है, बाकी यहाँ पर जो पासिंग हाई बीम लो बीम है ये आप बजाज ने एक ही में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब पहले आपको यहाँ पर हाई बीम लो बीम का अलग स्विच मिलता था, लेकिन अब आपको तीनों ही इसी में देखने को मिलते हैं। बाकी टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, बार एंड्स हैं, साइड मिरर का पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। इस तरफ आपको इंजन क्लिक का स्विच, शेल्फ, वही एक्सेलेटर जो इनका मिलता था वही आपको मिलता है। USB पोर्ट यहाँ पर मिलेगा और 790mm की सीट हाइट मिलती है। ये बाइक 150cc की एक तरीके से आप फैमिली बाइक भी कह सकते हो, क्योंकि ये बाइक में सिंगल सीट मिल जाती है जिसमें आप कंफर्टेबली राइड वगैरह कर सकते हो। 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप इसका अगर नीचे देखते हो इंजन का ऑयल वगैरह, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। फ्रंट में 260mm की डिस्क मिल जाती है। वही टायर सेक्शन की बात करी जाए तो 90x90 सेक्शन का टायर मिलने वाला है, 17 इंचेस के अलावा व्हील के साथ में ABS मिलने वाला है। यहाँ पर फ्रंट में भी और रियर में भी आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर किक मिल जाती है 150cc की, काफ़ी कम बाइकों में आपको किक मिलती है, लेकिन इस बाइक में ऑफर की जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। उसी के साथ में स्टीकर वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर अगर आप आते हो फुटपैक्स की क्वालिटी आप देख सकते हो, अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है, रियर में मोनोशॉक मिलते हैं, फ्रंट में 37mm के टेलीस्कोप मिलते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर आप अगर देखते हो टायर अगर है, मड फ्लैप मिल जाता है, और ग्राफिक्स वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है। टेल लाइट भी आपको ऐसी कुछ मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखते हो 5 गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन मिलता है, ओपन चेन सेट कवर है, मेटल साड़ी गार्ड मिल जाता है। रियर के टायर सेक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो रियर में आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर ही है, MRF के ही, लेकिन 120x80 सेक्शन के मिलते हैं रियर में विद 17 इंचेस अलॉय व्हील। बाकी अंडर वैली के एग्जॉस्ट भी आपको काफ़ी कम बाइक को मिलता है 150cc की, एक ये इसकी अच्छी बात बन जाती है, स्विंगआर्म दे रखा है मेटल का। बाकी फिर से आप मीटर कंसोल देखो तो कुछ ऐसा है, ऑन करके मैं अगर आपको दिखाता हूँ फिर से, ये देखो सारे के सारे यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। बाकी क्लच इसका काफ़ी लाइट आपको मिल जाता है। उसी के साथ में इंजन की आप ऑन करते हो जैसे ही, तो इसको आप इसको एडजस्ट वगैरह यहाँ से कर सकते हो। तो मतलब मीटर कंसोल काफ़ी सही है। पावर वगैरह की बात करिए इंजन की, तो यहाँ पर आपको 149cc का एयर कूल फोर स्ट्रोक 212 FI इंजन मिल जाता है। 14.5 PS की पावर रिलीज करता है 8500 RPM पर, 13.5 Nm का टॉर्क रिलीज करता है 6000 RPM पर। गियर की बाइक है तो उस हिसाब से माइलेज काफ़ी अच्छा इस बाइक का मिलने वाला है। आपको 45-50 KMPL तक का माइलेज देखने को मिल जाता है अप्रॉक्स में। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बाइक E20 कंपेटेबल भी है। प्राइसिंग के बारे में बात कर जाए कि क्या इसकी प्राइस होने वाली है 2024 में, बजाज पल्सर N150 2024 लेटेस्ट मॉडल की प्राइस होने वाली है 1,47,000 रुपीज़ की ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि पहले से लगभग 7,000 रुपये अब इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि डुअल डिस्क में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है विद ABS, उसी के साथ में मीटर कंसोल नया मिल जाता है। तो इतना कुछ इसमें चेंज देखने को मिल जाते हैं। शोरूम एड्रेस के बारे में बात करी जाए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, आप यहाँ से आके बजाज की लाइटें में किसी बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हो। तो कुछ यही थी इसकी अपडेशन की वीडियो, तो 2024 में कुछ यही इसमें अपडेट हुए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल बाइकर आदित्य को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।